राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कोरोना टीकाकरण करवाया, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मी, स्टाफ, अध्यापकगण, अलग अलग विभाग के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी व उनके परिवार के सदस्यों ने भी टीकाकरण करवाया। इस टीकाकरण कार्य में लगभग 110 लोगों को कोवैक्सीन का पहला टीका दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज में इस तरह के सामाजिक कार्य करते आए हैं जो अवर्णनीय है। शिविर में छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, फिजियोथेरेपी विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा, डीन सामाजिक विज्ञान संकाय डॉक्टर नमिता गुप्ता, पीजी महिला हॉस्टल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर फ्रांसिस्का कुजूर ने शिरकत की। फिजियोथेरेपी के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मिराज सिद्दीकी, राहुल कुमार, डॉक्टर इफ्शा खुर्शीद एवं सभी शिक्षक कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। इस जगह लोगों को टीका देने के लिए आई स्वास्थ्य कर्मी शोभा कुमारी, सुधा कुमारी और प्रियंका कुमारी ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर सभी का अच्छे तरीके से टीकाकरण किया। इस कार्य में सहयोग देने के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर जॉनी रूफेना तिर्की, डॉक्टर खीमलाल महतो आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट।